कि ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि सी प्लस प्लस में कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में है कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। ये भी एक टॉपिक है जो कि अक्सर हमारे पास सी प्लस प्लस में कोर्स आउटलाइन में होता है। सो हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम जान चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है। सो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें एक डेटा टाइप रखनी होगी, एक वेरिएबल का नेम रखना होगा और हम उसमें कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आपके पास सिंपल एक वेरिएबल होता है। नो वेरिएबल का बेसिकली मतलब है कि हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। इस स्टेटमेंट को आप अभी चेक करें तो आपको आइडिया हो चुका है कि इस स्टेटमेंट से कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर क्या होता है। बेसिकली आपके पास एक बॉक्स डेवलप हो जाएगा, एक स्पेस रिजर्व हो जाएगी, उसका नेम आपने रखा हुआ है स्पेस में एक्स, एंड उसमें जो अभी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं वो है 20, जो कि एक इंटीजर टाइप की है, जो कि ओके है। अभी आपकी इस स्टेटमेंट से, प्रोग्रामिंग की इस स्टेटमेंट से आपके पास ये वाला सारा काम हुआ है। ओके, नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, इंट वाई इक्वल टू 30। ओके, अब हमारे पास एक और वेरिएबल आया है, उसका नेम हमने रखा है वाई, उसमें वैल्यू जो हमने पुट की है वो है 30। ओके, सो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बॉक्स बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये बॉक्स हमारा होगा वाई नेम से, और इसमें हमने जो वैल्यू पुट की है वो 30 है। ओके, सो हम 30 पुट कर देते हैं, एंड राइट नाउ ये सिचुएशन है हमारे पास। सो वी हैव टू बॉक्सेस, वी हैव टू वेरिएबल्स, वन कंटेन 20, सेकेंड कंटेन 30। सो राइट नाउ वी हैव जस्ट टू स्टेटमेंट्स एंड इनसाइड मेमोरी यू हैव दिस होल सिनेरियो। अब आपको आइडिया है कि एक्स भी आपके पास वेरिएबल आ रहा है, वाई भी वेरिएबल आ रहा है, तो वेरिएबल का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कि वो चेंज हो सकती है उसकी वैल्यू। यानी यहाँ पे जो 20 आपको नज़र आ रहा है, फ्यूचर में आप इसकी जगह कुछ और भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने ये करता हूँ, अभी आपकी थर्ड स्टेटमेंट मैंने कर दी है एक्स, असाइन किया जा रहा है उसको वाई। स्टार्ट से अगर आप चेक करें तो एक्स में हमने 20 पुट किया था, वो आपके सामने है। सेकंड स्टेटमेंट में हमने एक वाई वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें हमने पुट किया 30, वो भी आपके सामने है। अब थर्ड स्टेटमेंट में हमने ये कर दिया कि एक्स में जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी अब उसमें वाई वैल्यू असाइन कर दो। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि यहाँ पे वाई में जो भी वैल्यू है वो अब आपके लिए पुट हो जाएगी इनसाइड एक्स। तो हमारे पास राइट नाउ अगर आप चेक करें तो हमारे पास वाई में पड़ी हुई है 30 वैल्यू। ओके, सो हमारे पास अभी यहाँ पे 30 वैल्यू पड़ी हुई है। ये 30 वैल्यू जो है ये हम बेसिकली असाइन करना चाह रहे हैं इसमें। क्योंकि इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि एक्स में जो भी वैल्यू है उसको साइन कर दो वाई की वैल्यू। यानी कि वाई में अभी हमारे पास अगर 30 पड़ा हुआ है तो वो आपके पास जा रहा है एक्स की लोकेशन पे। एक बात याद रखें कि आपके पास जो असाइनमेंट होती है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है। इस सिचुएशन से वाई के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो आपके पास चली जाएगी एक्स के अंदर। तो एक्स में तो आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी हुई है जो कि 20 है, तो अब वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, 30 से। अगर अब हम करते हैं सी आउट एक्स, अगर अब हम ये करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। यस राइट, हमारे पास आंसर आएगा 30, क्योंकि आपको पता है कि 30 जो है अब आपका रिप्लेस हो चुका है, जो कि पुरानी वैल्यू थी 20, उसके साथ आपका 30 आ चुका है उस लोकेशन पे। तो इस पूरे प्रोग्राम से हमें एक बात पता लग रही है कि वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज हो सकती हैं। पहले एक्स के अंदर पड़ी हुई थी 20 वैल्यू, अब एक्स के अंदर पड़ी हुई है आपकी 30 वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, नाउ कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी वो फिक्स्ड होते हैं, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। और ये कैसे बनते हैं मैं आपको इसका बताने का तरीका बता देता हूँ। आप सिंपल स्टेटमेंट से पहले एक छोटा सा वर्ड लिख दें, कॉन्स्ट मीन्स कॉन्स्टेंट। इससे क्या होगा, इससे आपके सी प्लस प्लस के एडिटर को पता लग गया, कंपाइलर को, कि अब जो एक्स बनेगा वो आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है उसमें
कि उसमें जो भी वैल्यू आप इनिशियली पुट कर दोगे वो कभी भी रिप्लेस नहीं होगी। अगर आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपके पास स्टार्ट से आया है कॉन्स्टेंट इंट एक्स, उसमें आपने पुट किया 20, फिर आपके पास नॉर्मल एक वेरिएबल आया है इंट वाई इक्वल टू 30। लेकिन जब आपने ये स्टेटमेंट अब आपने एग्जीक्यूट की तो चूंकि आपका एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट बन चुका है, फिक्स्ड हो गई है उसकी वैल्यू, तो अगर आप इस एक्स के अंदर कोई दूसरी वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप एरर आएगा। सो इस केस में यहाँ पे एरर है। सो हम ये सारा कुछ प्रैक्टिकली देख लेते हैं अपने सी प्लस प्लस के एडिटर में। ओके, सो ये हमारा एडिटर आ गया और आप देख रहे हैं कि मेरे पास प्रोग्राम सिंपल है। इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, उसमें असाइन की गई वैल्यू 10। सेकंड मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें असाइन किया मैंने 20, नॉर्मल है, दोनों कॉन्स्टेंट नहीं है, और मैंने यहाँ पे एक्स के अंदर असाइन कर दिया वाई की वैल्यू, और मैं प्रिंट किसको कर रहा हूँ एक्स। वाई के ख्याल में आंसर क्या आना चाहिए? 20। सो हम देख लेते हैं, यस 20 आ रहा है, क्योंकि आपकी इस स्टेटमेंट की वजह से, आपके इस स्टेटमेंट की वजह से आपकी एक्स के अंदर पड़ी हुई 10 वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है 20 के साथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर देता हूँ, आप देख रहे हैं ये वर्ड हो गया, इट मीन्स इट्स अ रिजर्व वर्ड। अब आपके पास जो कि एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट हो चुका है, तो अगर अब आप इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि अब एक्स की वैल्यू किसी भी और वैल्यू से चेंज नहीं होनी चाहिए। सो हम चेक करते हैं और ये हमें एरर देगा, और यस ये हमें एरर दे रहा है, और वो एरर ये है। अगर आप पढ़ लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला एरर, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स एक्स एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, अगर आप उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। सो ये एक सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट था कॉन्स्टेंट का। सिर्फ आपको ये बताना था कि कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं होती। अगर कोई इश्यू हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक्स।